जनता समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में आयुध निर्माणी खमरिया में पदस्थ रहे AWM स्तर के अधिकारी की आज तड़के मौत हो गई, जिसके बाद इटारसी से जबलपुर पहुंची उनकी पत्नी ने OFK अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। पत्नी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मुझे GM से मिलना है, आखिर वो क्यों छुट्टी नहीं देते। इतना कहते हुए वह बेहोश हो जा रही थी। किसी तरह मौके पर मौजूद कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों ने स्थिति को संभाला। मृतक AWM देहरादून के मूल निवासी थे, लिहाजा शव को उनके पैतृक निवास भेजा जा रहा। जानकारी के मुताबिक 19 अक्टूबर के तड़के 3:20 में प्रताप भवन IV में रह रहे AWM श्याम सिंह के अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। चूंकि IV में वे अकेले रहते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही एक्टिवा स्कूटर उठाई और OFK अस्पताल जा पहुंचे, जहां 4:00 उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी चर्चाएं थी कि AWM को हृदयघात आया था। श्याम सिंह सेफ्टी और फायर डिपार्टमेंट देख रहे थे। मृत्यु उपरांत इटारसी में रह रही उनकी पत्नी को सूचना दी गई। सुबह 9:00 जब पत्नी अस्पताल पहुंची तो उन्होंने पति की मृत्यु का जिम्मेदार प्रबंधन को ठहरा दिया और हंगामा शुरू कर दिया। वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि GM साहब छुट्टी नहीं दे रहे थे, जिसके कारण उनके पति तनाव में रहते थे। इसी अवस्था के चलते उनकी मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले ही एक हादसे में बुरी तरह से झुलसे DV वर्कर नंदकिशोर सोनी की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। उस दौरान भी कुछ कर्मचारी संगठनों ने यह बात उठाई थी कि क्षमता से ज्यादा वर्कलोड कर्मचारियों पर डाला जा रहा है। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।